नमस्कार, आप देख रहे हैं मास्कॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। प्रिय विद्यार्थियों, आज पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे है। जी हां, 12 नवंबर को हर साल भारत में नेशनल पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिन क्यों मनाया जाता है, इसकी क्या अहमियत है, खासकर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज जो हैं, जो भारतीय प्रसारण सेवाएं हैं या जो ऑल इंडिया रेडियो कहें, उसके इतिहास में इसका क्या महत्व है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि 12 नवंबर को हर साल भारत में पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे क्यों मनाया जाता है। एक्चुअली ये दिन मनाया जाता है हमारे फादर ऑफ नेशन यानी राष्ट्रपिता श्री मोहनदास करमचंद गांधी, उनकी जो विजिट थी ऑल इंडिया रेडियो की, जो पहली और आखिरी जो उनकी विजिट थी वो 12 नवंबर 1947 को हुई थी। और इसी विजिट को यानी ऑल इंडिया रेडियो को जो विजिट थी महात्मा गांधी जी की, उसको मनाने के लिए, उसको याद करने के लिए हर साल इस दिन पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जाता है। दिस डे इज सेलिब्रेटेड टू कमेमोरेट द फर्स्ट एंड लास्ट विजिट ऑफ फादर ऑफ नेशन श्री एम के गांधी टू ऑल इंडिया रेडियो ऑन नवंबर 12, 1947। और इस विजिट के दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने करना क्या था, क्यों उन्होंने विजिट की थी, तो उसके पीछे की कहानी ये है कि भारत पाक विभाजन हुआ था, जैसे कि आप जानते हैं 1947 में, और काफ़ी शरणार्थी भारत में पाकिस्तान से भी आए थे। और उन शरणार्थियों के जो रहने की व्यवस्था थी, एक टेम्परेरली या अस्थायी रूप से यूँ कहें, हरियाणा के कुरुक्षेत्र शहर में की गई थी। तो महात्मा गांधी जी जो हैं, उन्होंने इन शरणार्थियों को एड्रेस किया रेडियो के माध्यम से, ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से। उनका इन शरणार्थियों से मिलने का प्रोग्राम था, कुरुक्षेत्र विजिट का भी प्रोग्राम था, लेकिन वो कुरुक्षेत्र में शरणार्थियों से मिलने के लिए नहीं जा पाए किन्हीं ऐसे कारणों से जो जिनको टाला नहीं जा सकता था, बिकॉज ऑफ अनअवॉइडेबल रीजंस। तो इसलिए महात्मा गांधी जी ने रेडियो के माध्यम से इन शरणार्थियों से बातचीत की, और वो दिन था 12 नवंबर का और समय था 3 बजे। इसी दिन को मनाने के लिए, इसी दिन की याद में 50 साल बाद यानी 1997 में ऑल इंडिया रेडियो जो दिल्ली इसका मुख्यालय है, वहाँ पर एक कार्यालय में एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया इस दिन को मनाने के लिए। ठीक 3 बजे ये एक प्रोग्राम किया गया इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए, और फादर ऑफ नेशन की जो पहली और आखिरी विजिट थी रेडियो में, उसके महत्व को दर्शाने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया गया। बाद में 2001 में यानी 2001 में ये डिसाइड किया गया कि इस डे को हम हर साल पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे के रूप में मनाएंगे, एंड दैट डे वॉज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे इन 2001। जी हाँ, 2001 में इस दिन को नेशनल पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे के रूप में मनाने जाने की घोषणा हुई। इस मौके पर देश भर में ऑल इंडिया रेडियो के जो अलग अलग कार्यालय हैं, जो स्टेशन है, वहाँ पे इस दिन को मनाया जाता है। और जो ऑल इंडिया रेडियो की जो नेशनल डेवलपमेंट में जो एक तरह से योगदान उसका है, कंट्रीब्यूशन जो है, उसको भी याद किया जाता है कि कैसे आज जन जन की आवाज़ आकाशवाणी बन चुका है। और सभी माध्यमों की बात की जाए तो रेडियो की जो पहुँच है वो सबसे ज़्यादा क्षेत्र में मानी जाती है दूसरे माध्यमों की तुलना में। तो रेडियो आज लगातार अपनी इम्पोर्टेंस बनाए हुए है, और इसीलिए इस खास दिन को मनाया जाता है नेशनल पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे के रूप में। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसी तरह की कुछ और महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ हम लगातार आपके बीच आते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास्कॉम जंक्शन। धन्यवाद।